जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत सारे बच्चों के जो मैसेज आते हैं, जैसे जैसे नोटिफिकेशन डिले होती जा रही है वैसे वैसे बच्चों के मैसेज बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी को पता है SSGD की जो नोटिफिकेशन मई के महीने की डेट थी, मई फर्स्ट वीक की, आप सभी को बहुत सारे बच्चों को लग रहा है, जो समझदार है उन सभी को लग रहा है कि नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आनी भी नहीं चाहिए। ये भी बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे हैं क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, नोटिफिकेशन आ भी जाएगी तो फॉर्म फिलअप इस महीने में आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में सख्ती से लॉकडाउन है, हर एक चीज़ बंद करा दी गई है। केवल किराना की ग्रोसरी की जो चीज़ें हैं वो भी ओनली 6 से 10, जिसका भी टाइम केवल सुबह 8 से 10 या 6 से 10 रखा गया, बाकी पूरा दिन शटर बंद है। 15-15 दिन के लिए, किसी स्टेट में 20 दिन के लिए, किसी स्टेट में 25 दिन के लिए, इस प्रकार से लॉकडाउन कर दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे दिन जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जिनको एज में प्रॉब्लम हो रही, जिनकी एज निकलती जा रही है, कोई 23 साल से प्लस हो रहा है, OBC वाला 26 साल से प्लस हो रहा है, या SC ST वाला 28 साल 27 साल, उसकी जो एज क्राइटेरिया है उससे प्लस होता जा रहा है। तो जो बच्चा जिस क्राइटेरिया से बढ़ता जा रहा है तो उसको डर भी है साथ में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं और साथ में कुछ नए बच्चे हैं जिनको फ़ायदा भी हो सकता है जैसे जैसे एज बढ़ रही है। क्योंकि अगर मान लो किसी की 18 साल कंप्लीट हो रही है मई या जून में, अब वो सोचता है जून में नोटिफिकेशन आए तो मैं भी इसमें फॉर्म भर पाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी डेट ख़त्म हो रही है जून महीने में या मई महीने में, तो उनको लग रहा है कि मैं ओवरेज हो जाऊंगा या बाहर रह जाऊंगा, तो बहुत सारे वो चिंतित है। बहुत सारे मैसेज भी मुझे इंस्टाग्राम पर इसके रिगार्डिंग मिले हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारे कमेंट आए हैं, मैंने पढ़े हैं। मैं 2-4 दिन से बिजी था किसी काम में तो मैं वीडियो नहीं बना पाया निरंतर, और मैंने देखे हैं बहुत सारे कमेंट, बच्चों के पढ़े भी बहुत सारे कमेंट हैं, तो उसी लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों अगर आप भी SSC GD की, RPF कॉन्स्टेबल की या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, या स्पेशली SSC GD की जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एज से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों पहले तो एक चीज़ मैं बता दूँ, आपको क्लियर कर दूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा SSC GD का जो एज क्राइटेरिया क्या रहेगा उसके बारे में। पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो चीज़ ये है कि अगर आप मेहनत करते हो SSC GD को मानकर, अगर आप मेहनत करते हो SSC GD को मानकर कि मैं SSC GD की तैयारी करता हूँ, अगर किसी भी कारणवश, बाकी मैं आगे एज क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करूँगा, लेकिन एक चीज़ हम ये मानते हैं कि अगर हम कहीं पे भी 100% कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचते, अगर आप 95% ये मानते हैं तो 5% हमको हर एक चीज़ का नेगेटिव बिंदु भी देखना चाहिए। तो अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश एज क्राइटेरिया में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाती, तो भी आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कतई आपको नुकसान नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि RPF कॉन्स्टेबल में एज में 2 साल का डिफरेंस है, तो आप RPF कॉन्स्टेबल की तैयारी कर सकते हो, वही सेम सब्जेक्ट है, उसमें हिंदी नहीं है, बाकी सब तो सेम है, तो फिर आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यानी कोई भी आपको किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें एज में 1% भी छूट ना दी जाए तो भी आपकी तैयारी काम में आएगी, चाहे RPF कॉन्स्टेबल में हो, चाहे दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल में हो, या रेलवे की कोई ना कोई वैकेंसी आती रहती है उसमें हो, DRDO की वैकेंसी आती है उसमें हो, यानी आपकी एजुकेशन कतई आपकी एज से डिपेंड नहीं करती। आप अगर तैयारी करते हो तो कोई ना कोई एग्ज़ाम आप हिट कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपकी एज 23 साल से ऊपर भी हो रही है, या अगर आप OBC से आपकी एज 26 साल से ऊपर भी हो रही है, या अगर आप SC ST से आपकी एज 28 साल से ऊपर भी हो रही है, तो भी आपको चिंता नहीं करना है, चिंतित नहीं होना है बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके कि मेरी एज ओवर एज हो रही है इन दिनों। अब दूसरी एक चीज़ मैं आपको खास विशेष रूप से बता दूँ कि SSC GD की नोटिफिकेशन हो सकता है कि मई की फर्स्ट वीक में ना आए, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी ऑफिस दफ्तर नहीं खुल रहे, दिल्ली जैसी सिटियों में तो बिल्कुल ही दफ्तर अप है, ऑफ है, तो अगर दफ्तर ही ऑफ है तो नोटिफिकेशन कौन देगा आपको? ये आप भी मानते हो कि नोटिफिकेशन आने के चांसेस बहुत कम हो गए, लेकिन एज में रिलेशन 101% रहेगा, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को सेव कर लीजिए। एज में रिलेशन 101% होगा, कितने महीने का, कितने साल का, वो मैं नहीं बोलता, लेकिन एज में आपको छूट दी जाएगी, इसमें कतई ही संदेह नहीं है। 101% बच्चे आपको तैयारी करनी है, बहुत ही बढ़िया से तैयारी करनी है, एज में आपको छूट 100% मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसका रीज़न ये है कि वैकेंसी 1 साल पहले से ही डिले चल रही है, अब 1 साल से प्लस डिले हो रही है, जितने भी दिन अब डिले हो रही है वो 1 साल से प्लस डिले हो रही है, और SSC को भी पता है कि जब 1 साल से प्लस अगर वैकेंसी डिले चल रही है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एग्ज़ाम देने का मौका भी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए उनको ध्यान में रखते हुए चाहे एज में कितनी भी छूट दी जाए, एज में छूट दी जाएगी, आप जितने भी बच्चे जो ओवर एज हो रहे हैं, चाहे 1 महीने से हो रहा है, 2 महीने से हो रहा है, 4 महीने से हो रहा है या 5 महीने से, तो इनको तो बिल्कुल ही नेगेटिव नहीं सोचना है, 100% एज में छूट दी जाएगी। साथ में वो बच्चे जिनकी एज होने वाली है,
18 साल, तो उनको भी मौका 100% मिलेगा, क्योंकि जो इसके फॉर्म में अप्लाई की जो डेट रहेगी अब जून के आसपास की रहेगी या जून के महीने से भी आगे रहेगी। मई के महीने में हो सकता है कि इसके फॉर्म भरने की डेट 100% नहीं आएगी, जून से रहेगी। तो जो बच्चे जून तक है उनको तो आए गए हैं वो, और साथ में आगे जिस डेट तक रहेगी उस डेट से ही काउंट कराई जाएगी। तो हो सकता है कि आपकी जून, अगर जून में फॉर्म भरे जाएंगे तो जून और जुलाई, जुलाई के महीने की डेट से काउंट हो या उससे भी आगे कर दी जाए। तो यानी बहुत सारे बच्चे जो नए आने वाले हैं जिनकी 17 साल 11 महीना 12 महीना होने वाला है या 17 साल 10 महीने के आसपास है, वो बच्चे भी तैयारी करें एसएससी जीडी की और अच्छे से तैयारी करें। आपको भी इस बार एसएससी जीडी में मौका जरूर मिल जाएगा, लेकिन आपको नकारात्मक 1% भी नहीं होना दोस्तों। जिसकी ओवर एज हो रहा है, जो 2 महीने से 4 महीने से 5 महीने से 6 महीने से, अगर कोई साल में भी हो रहा है 1 साल तक, तो भी उसको चिंता नहीं करनी है, उसको तैयारी करते रहना है। मैं आपको 100% बोल रहा हूँ कि नोटिफिकेशन जब भी आएगी, चाहे मई के पहले वीक में, अब कम चांस हो गए हैं कि मई के पहले वीक में नोटिफिकेशन आए, लेकिन अगर फिर भी नोटिफिकेशन आती है मई के पहले वीक में, तो फॉर्म तो मई में नहीं भरे जाएंगे। ये तो आप भी इतने समझदार हो, आप सभी को पता है बहुत सारे स्टेटों की हालत हो गई बिल्कुल ख़राब, लॉकडाउन बहुत ज़्यादा है, कर्फ्यू बहुत ज़्यादा है, तो फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे बच्चे। तो क्या होगा इस स्थिति में, नोटिफिकेशन डिले होगी, और डिले नहीं होगी तो फॉर्म की डेट जून के महीने की होगी। तो बच्चों 101% आपको एज में छूट दी जाएगी, इसके लिए आप बिल्कुल ही चिंतित ना हो, चिंता नहीं करनी है इस चीज़ को लेकर कि नोटिफिकेशन नहीं आएगी, ठीक है। नोटिफिकेशन नहीं आएगी, आपका जो एज का क्राइटेरिया वो नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल एज का क्राइटेरिया इस बार एसएससी जीडी में एज में छूट दी जाएगी। मैं आपको 100% बोल रहा हूँ कि एज में छूट दी जाएगी, एसएससी जीडी में रियायत दी जाएगी, क्योंकि उनको भी पता है कि वैकेंसी डिले चल रही है। तो आपको तैयारी करते रहना है और सकारात्मक सोच के साथ में हमेशा अपने आप को मोटिव रखना है कि हाँ कोई बात नहीं, अभी तक मैं ओवर एज नहीं हुआ, नोटिफिकेशन आएगी उस दिन आपको क्लियर भी हो जाएगी कि आपको एज में छूट दी गई है। तो बहुत सारे बच्चों के रहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे बोलने से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप बोल दोगे तो हमको क्लियर हो जाएगा या हमको विश्वास हो जाएगा, तो हम अपनी तैयारी में और जान डाल सके और हम तैयारी और अच्छे से कर सके, क्योंकि आप बोलते हो तो हमको विश्वास हो जाता है। तो बहुत सारे मैंने ऐसे कमेंट पढ़े, इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था। साथ ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इस पर बहुत जल्द आपको एसएससी जीडी की, आरपीएफ, कांस्टेबल, आर्मी सभी की तैयारी कराने वाला हूँ ऑनलाइन, तो आपको वो भी बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। साथ ही प्ले स्टोर पे अपना ऐप आ रहा कमांडो अकेडमी नाम से, जो जिसकी भी हम ओपनिंग कर देंगे 2-4 दिन बाद में आपको बता दिया जाएगा, वहाँ पर भी बहुत सारे कोर्स आपको अवेलेबल रहेंगे एसएससी जीडी, आर्मी और बहुत ही निम्न दरों पर, ठीक है दोस्तों। तो एज का भी छूट मिल जाएगा, 101% है, और नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, आपको सिर्फ क्या करना है, तैयारी करते रहना है। जय हिंद, जय भारत।